दोस्तों नमस्कार। 24 सितंबर सन 2024 मंगलवार। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों ऑयल सीड्स में सोयाबीन, सरसों, पाम तेल, सूरजमुखी तेल, कैस्टर, राइस ब्रान तेल, मूंगफली, इन सभी पर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों सोयाबीन और सरसों के दामों में शानदार तेजी बनी थी, साथ साथ कैस्टर और मूंगफली के अंदर भाव मजबूती से देखे गए थे। लेकिन आज 24 सितंबर को सोयाबीन की दैनिक आवकों में कुछ कमी नजर आ रही है, साथ साथ डिमांड सीमित होने के कारण भाव नरम हो गए हैं। साथ साथ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि सोयाबीन की फसल बिल्कुल सर पर खड़ी है और कुछ इस राज्यों में सोयाबीन की आवक शुरू भी हो गई है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों कहा जाता है कि तेजी आने के बाद और तेजी की उम्मीद में, जबरदस्त तेजी, सुपर डुपर तेजी की उम्मीद में जब कोई माल खरीदता है तो उसका रिस्क उतना ही बढ़ जाता है। मंदी के समय आदि आगे का सही विश्लेषण कर माल खरीदा जाता है तो रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है। ये तो निश्चित है कि व्यापार के अंदर बगैर रिस्क के व्यापार हो नहीं सकता, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क से हमेशा व्यापार फायदेमंद होता है, ये अक्सर देखने में आता है। सोयाबीन के अंदर भी कुछ ऐसी कहानी चल रही है कि सोयाबीन की दैनिक आवक नरम हो गई है, साथ साथ भाव भी नरमी देखे जा रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर खाद्य तेलों में तेजी चल रही है। उत्पादक मंडियों में सोयाबीन की दैनिक आवक मंगलवार को आज यानी कर में कमी दर्ज की है और मांग सीमित होने के कारण प्लांट डिलीवरी के भाव नरम बताए जा रहे हैं। और जैसे जैसे फसल की आवक बढ़ेगी व्यापारी अब कॉशियस व्यू अपना रहे हैं। देशभर की मंडियों में देखा जाए तो 1,90,000 बोरी की आवक हुई, इसमें सबसे ज़्यादा आवक मध्य प्रदेश 70,000 बोरी की आवक होने के समाचार है। महाराष्ट्र की मंडियों में 75,000 और राजस्थान की मंडियों में 30,000 बोरी की आवक के समाचार हैं और बाकी राज्यों में देखा मिलाएं तो 15,000, कुल मिला के 1,90,000 बोरी सोयाबीन की आवक मंगलवार को दर्ज की गई है विभिन्न मंडियों में। जहाँ तक भाव की बात है, हम मध्य प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन के दाम 4500 से 4675 रुपये प्रति क्विंटल बताए जा रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन के भाव 4400 से 4550 रुपये बताए जा रहे हैं और राजस्थान की मंडियों में भाव 4400 से 4575 रुपये प्रति क्विंटल हैं। यानी यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन के भाव सबसे अधिक 4675 है और बाकी महाराष्ट्र और राजस्थान में 4575 अपर लेवल पे देखे गए हैं और लोअर लेवल पे ये 4400 रुपये है, और जबकि मध्य प्रदेश की मंडी में लोअर लेवल के भाव 4500 बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कि मैं सोयाबीन प्लांट डिलीवरी के भाव 4700 से 4782 रुपये प्रति क्विंटल बताए जा रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में सोयाबीन प्लांट डिलीवरी के भाव 4700 से 4800 रुपये हैं और राजस्थान में भी प्लांट डिलीवरी के भाव 4600 से 4650 हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि राजस्थान में सोयाबीन प्लांट के सबसे कम 4600 से 4650 है और उसके बाद आपके महाराष्ट्र में 4700 से 4800 है और जबकि मध्य प्रदेश में 4700 से 4782 रुपये हैं। यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भावों में 18 रुपये का तकरीबन फ़र्क बताया जा रहा है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शिकागो में सोयाबीन एवं सोया तेल के साथ सोया मिल की कीमतों में तेजी का रुख है। तो मजे वाली बात यह है, अंतर्राष्ट्रीय भाव बढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ नरम हो रहे हैं, तो कहीं नरमी और कहीं गर्मी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के सोया DOC के भाव भी हम लोग आपको शेयर कर देते हैं। इंदौर में 35,000 रुपये के भाव है, 500 रुपये की गिरावट है। देवास में भी 35,000 के दाम है, 1,000 की गिरावट है मध्य प्रदेश DOC के में। मंदसौर में 35,000 के भाव हैं, गुना 36, नीमच 34,500, यहाँ 100 की गिरावट है। इटारसी 36,500 और सागर में 35,200 के भाव हैं, यहाँ 200 रुपये की बढ़त है। पांचोर के अंदर 300 रुपये की गिरावट के साथ 34,300 के भाव हैं। अब महाराष्ट्र में भी DOC के भाव आपसे चर्चा कर लेते हैं। लातूर 37,500 की गिरावट, नागपुर और नंदपुर में भी गिरावट है। नागपुर के अंदर 500 की गिरावट के बाद 36,500 के भाव, नंदपुर 40,100 में 1,000 रुपये की गिरावट है। मध्य प्रदेश में प्लांट वाइज DOC की बात करें तो प्रकाश के भाव 35,000, सांवरिया 36,500, MS सॉल्वेक्स 35,000 और रामा 34,000 के भाव हैं। महाराष्ट्र प्लांट वाइज सोया DOC के भाव दयाल के 37,000, दिसान के 29,500 और शिव पार्वती 37,000, अष्टकोण 37,000 और बेतुल 37,500 के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों ये सभी जानकारियां आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों ऑयल सीड्स के अंदर तेजी और मंदी का सटीक विश्लेषण भारतीय अनुसंधान पद्धति एवं फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर आप तक पहुँचाने का काम और बीड़ा हमने उठाया हुआ है।
भारतीय अनुसंधान पद्धति के करिश्माई विश्लेषण की वजह से भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के लगातार हमले से हमारी पौराणिक विद्याएं नष्ट हो गई थी। लेकिन कहा जाता है कि प्रकृति किसी भी विद्या को समूल नष्ट नहीं होने देती है, कहीं ना कहीं उसके अवशेष बचते हैं। वही हाल था कि हमने लगभग 25 सालों से लगातार इन अवशेषों को ढूंढकर एक माला के रूप में पिरोकर आप तक पहुंचाया है, और ये श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास किया है कि भारतीय अनुसंधान पद्धति का जब मॉडर्न टेक्निक यानी फंडामेंटल एनालिसिस के साथ संबंध बना दिया जाए तो उससे बढ़कर एनालिसिस कभी नहीं होता। याद कीजिए, मसालों पर जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, कपास, अनाज में गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, चावल, ऑयल सीड्स के अंदर सरसों, सोयाबीन, कैस्टर, मूंगफली, इन सब पे जो अपडेट दिए हमने वो लगातार आपको अनुसंधान में हमें अव्वल स्थान दिलाने में आपका भी बड़ा सहयोग रहा है। 1,84,000 से अधिक सब्सक्राइबर, 1,37,00,000 से अधिक व्यू, 8,500 से अधिक शो इस बात की सूचना दे रहे हैं कि आपने विश्व में सिरमौर बनाने में हमारी मदद की है। आज देश में नहीं अपितु पूरे विश्व से, चाहे वो सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, अर्जेंटीना हो, ब्राज़ील हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो या फिर भूटान, सभी जगह से हमारे सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं। हमारी विशेष रिसर्च का, भारतीय रिसर्च का डंका अब पूरे विश्व में फैल रहा है। दोस्तों, मैं पूरी टीम की तरफ से आप सभी को शुक्रिया भी और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।